कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। भारतीय सेना के शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की विधवा पत्नी स्मृति सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं। 5 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। ये सम्मान कैप्टन अंशुमन की विधवा पत्नी स्मृति सिंह और उनकी मां ने लिया था। इस वीरता चक्र सम्मान समारोह के दौरान स्मृति सिंह की रोती हुई कई तस्वीरें वायरल हो गई थी। उसके बाद से ही देश में स्मृति सिंह को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बता दें कि जुलाई 2023 में सियाचिन में एक बड़ी आग दुर्घटना में कई लोगों की जान बचाने में अंशुमन सिंह शहीद हो गए थे। उन्हें इस बहादुरी के लिए राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया, जिसे उनकी विधवा पत्नी और शहीद की मां ने लिया। इस सम्मान समारोह के दौरान शहीद अंशुमन की मां और बहू की एक साथ भावुक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लेकिन इसी बीच अब एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिससे अंशुमन के माँ बाप और शहीद की पत्नी स्मृति सिंह दोनों चर्चा में आ गए हैं। दरअसल शहीद कैप्टन अंशुमन के माता पिता का दावा है कि उनकी बहू स्मृति सिंह ने उनका घर छोड़ दिया है और अब उनके बेटे के शहीद होने के बाद बहू को ज्यादातर अधिकार मिले हैं। शहीद के पिता ने कहा कि उनके पास जो इकलौती चीज बची है वो उनके बेटे की दीवार पर टंगी तस्वीर है। उनका ये कहना है कि उनकी बहू स्मृति सिंह ने बेटे के दस्तावेजों में दर्ज परमानेंट एड्रेस भी बदल दिया है और उस पर गुरदासपुर का पता दर्ज करवा दिया है। शहीद के माँ बाप का कहना है कि उन्होंने पहले अपने बेटे को खोया और अब उसकी शहादत के बदले मिले कीर्ति चक्र को भी छूने को तरस रहे हैं। शहीद अंशुमन की माँ ने इस मामले पर बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शहीद की माँ ने कहा है कि बहुएं भाग जाती हैं, मेरे जैसा किसी को दुख न हो, ऐसे कई मामले आ रहे हैं, माँ बाप को छोड़कर बहुएं भाग जा रही हैं। वहीं इस मामले पर शहीद कैप्टन अंशुमन के माता पिता के आरोपों पर स्मृति सिंह का भी जवाब आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्टन अंशुमन के माँ बाप के आरोपों पर स्मृति ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इस मामले पर कहा कि मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है, जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही कहेगा। फिलहाल इस मामले में शहीद अंशुमन के पिता ने कहा कि बेटे की 5 महीने की शादी थी, कोई बच्चा भी नहीं है, पीछे जो तस्वीर है बस वही है, आज हमारे पास क्या है। उन्होंने NOK में बदलाव की मांग की है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।